नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक वाटिका निकालिए और इसका पेज नंबर 20 स्वरों की मात्राएं पाठ निकालिए। इससे प्रीवियस क्लास सेशन में आपने पढ़ा था कि हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। चलिए पहले हम उन 11 स्वरों को पुनः अभ्यास करें। ये 11 स्वर हैं अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ए, ओ, ओ, ओ। इन स्वरों की कौन सी मात्रा चिन्ह होते हैं, आइए देखें। आ स्वर, जो हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर है, इसका कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं होता। और उसके बाद आता है आ, इसे बोलने में आपका बड़ा सा मुंह खुलेगा आ, और इसका मात्रा चिन्ह इस प्रकार है, एक सीधी रेखा। स्टार्ट। अब हम अपना पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। स्वरों की मात्राएं, जैसे आपको पहले बताया गया कि पहला स्वर है अ। अ वर्ण से शुरू होने वाले कुछ शब्द हैं अमरा अमर, अजरा अजर, अजया अजय, अकला अकल, अगरा अगर, अमना अमन, अभया अभय, अलग अलग, अटक अटक, अन बना अनबन, अचकना अचकन, अजगर अजगर, अक्षर अक्षर, अदरक अदरक। तो ये सभी शब्द हमने जो पढ़े, ये स्वर आ से शुरू होते हैं। इसके नीचे अब हम जो पढ़ने वाले हैं शब्द, इन शब्दों में आ शब्द से तो ये शुरू नहीं हो रहे, लेकिन क से लेके ज्ञ तक वर्णमाला के जितने भी वर्ण हैं उन सभी के साथ आ स्वर जुड़ा होता है। जैसे हम बोलते हैं क, तो जब आप बोलते हैं क, तो क के साथ आपको एक छोटा सा आ का स्वर भी नजर आता है अंत में। घ, जब हम घ का उच्चारण करते हैं तो आधा घ जमा आ मिलके बना घ। ये जो घ के नीचे आप छोटी सी लाइन देख रहे हैं, इसका अर्थ है आधा घ। तो आधा घ और आ का स्वर मिलके बना घ, आधा र और आ का स्वर मिलके बना र, और ये पूरा शब्द दो वर्णों को जोड़कर बन गया घर घर। अब हम कुछ और शब्द पढ़ेंगे जिन सभी वर्णों में आ का स्वर आएगा। हा ला हल, क प कप, फ ला फल, न था नत, ज ला जल, क ला कल, म ग मग, इत्र इत्र, य ज्ञ यज्ञ, ब ला बल, व ह वह, य ह यह। तो आपको इन सभी शब्दों को पढ़ने का बहुत अच्छे से अभ्यास करना है। चलिए अब हम अपनी पुस्तक में दिए गए अभ्यास कार्य को करते हैं। पहला प्रश्न, अ वर्ण पर गोला लगाइए, यानी आपको यहाँ जितने भी वर्ण दिए गए हैं उन सभी में आपको अ वर्ण ढूंढना है और उसके ऊपर गोला लगाना है। ये चित्र बना है अखबार, अखबार, तो आपको सिर्फ अ वर्ण पर गोला लगाना है इस तरह से। अ नार अनार, इसमें भी हमने अ वर्ण को गोला लगा दिया। अमरूद अमरूद, तो हम सभी वर्णों को छोड़ के सिर्फ अ वर्ण पर गोला लगाएंगे। अखरोटा अखरोट, यहाँ भी हमने अ वर्ण को गोला लगाना है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, चित्र देखकर सही शब्द पर गोला लगाइए। यहाँ आपको एक चित्र दिखेगा और उसके सामने आपको दो शब्द लिखे दिखाई देंगे, लेकिन इस चित्र से का जो सही शब्द है आपको सिर्फ उसी पर गोला लगाना है। इस चित्र के सामने बना है मगरा मगर और डगरा डगर। तो देखिए बच्चों, मगर तो होता है मगरमच्छ, ये मगरमच्छ तो है नहीं, ये है डगरा डगर, जिसे हम रास्ता भी कहते हैं, सड़क भी कहते हैं। दूसरा चित्र है कापा कप और तापा तप, तो बताइए इन दोनों शब्दों में से आपको क्या सही लग रहा है। जी हाँ, ये है कापा कप। अब इस चित्र को देखिए, न था नत, र था रथ। आप जानते हैं रथ तो वो होता है जिसे घोड़ा चलाता है, जो यहाँ हमने इससे पहले पेज पर बना हुआ देखा है। तो ये है न था नत, जिसे नाक में पहना जाता है। मटरा मटर, बटरा बटर, तो आप सभी जानते हैं ये एक सब्जी है जिसका नाम है मटरा मटर, तो हमें मटर के ऊपर
गोला लगाना है। तीसरा प्रश्न, चित्र के नाम का पहला वर्ण लिखें। तो देखिए बच्चों, जो भी चित्र बना है उसका आपको सिर्फ पहला वर्ण लिखना है, पूरा शब्द नहीं लिखना है। ये बना है बतख, तो ब से बतख। महल, म से महल। शहद, श से शहद। थर्मस, थ से थर्मस। अब अगले पेज पर आ जाइए और चौथा प्रश्न देखिए, चित्र देखकर नाम लिखें। यहाँ आपको चित्र का पूरा नाम लिखना है। तो बताइए बच्चों, ये बड़ा सा क्या है? जो बहुत बड़ा सा सांप होता है उसे हम कहते हैं अजगर, अजगर। दूसरा चित्र देखिए, इससे आपकी मम्मी अक्सर खाने में डालती हैं, तो ये कौन सी सब्जी है बताइए? जी हाँ, ये है अदरक, अदरक। एक ये जो लंबा सा कोट होता है पहनने का, इसे हम कहते हैं अचकना, अचकन। ये चित्र है शरबत, शरबत, जिसे गर्मियों में हम पीते हैं। अगला प्रश्न है, जोड़कर लिखें। इन्हीं सभी शब्दों को आपको जोड़कर एक शब्द बनाना है, इन सभी अक्षरों को जोड़कर। खट पट खटपट। क जमा सा जमा रा जमा रा जमाता कसरत। श लगामा शलगम। नेक्स्ट प्रश्न, वर्णों को सही क्रम में रखकर चित्र का नाम लिखें। अब देखिए, यह आपका इरेजर बना है, जिसे हम हिंदी में रबड़ बोलते हैं, लेकिन इसकी जो स्पेलिंग है, इसका जो शब्द है, वो आगे पीछे लिखे हैं, आपको उन्हें सही क्रम में लिखना है। जैसे ये लिखा है बड़ारा बड़र, तो बड़ारा बड़र तो ये नहीं होता, हमें सबसे पहले लिखना है र, फिर ब और फिर र, तो ये एक सही शब्द बन जाएगा, रबड़ा रबड़। ठीक उसी तरह से आपको बाकी के शब्द करने हैं। क म ल कमल, म ह ल महल, और सड़क सड़क। कर तो यहाँ हमारा अ स्वर का पाठ पूरा होता है। अब बच्चों, आपको ये सारा अभ्यास अपनी पुस्तक में इसी तरह से जैसे आपको समझाया गया है, आपको बिल्कुल साफ हैंडराइटिंग में, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में सुंदर सुंदर लिखना है, और अ शब्द के, अ स्वर के कोई भी 10 शब्द अपनी कॉपी में लिखने हैं चित्रों सहित। कोई भी अ स्वर के आप 10 शब्द लिख सकते हैं अपने मम्मी पापा की हेल्प से, उसमें पिक्चर बना के, और उसके सामने आ स्वर के कोई भी 10 शब्द लिखें। ये आपका होमवर्क है, और इसी तरह से आपको बुक में ये अभ्यास पूर्ण करना है।